इसका फोन कहाँ से आ गया इस वक्त? अल्लाह पता ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। जी राहिला, कैसी हैं आप? लगता है आप हमें भूल ही गई हैं। अरे कोई खिदमत का मौका दे हमें भी। अब खिदमत की क्या जरूरत है अब आपकी? मुझे नहीं लगता आपकी कोई खिदमत चाहिए होगी। थैंक यू। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है, सुना है आपके शौहर और जेठ बिजनेसमैन लोग हैं, तो कोई हमारी भी सेटिंग करा दे उनसे। मतलब मैं समझी नहीं। सीधा सा मतलब है, मैं आपके काम आया, अब आपकी बारी है। भाई मेरा एक भतीजा है, काम में दिल नहीं लगता ना पैसा कमाने में लगता है। भाई उसकी कोई शादी वादी करा दे अपने ससुराल में लड़की देखकर। तो अकरम साहब मैं क्या करूंगी इसमें? भाई देखिए आपने करना क्या है ये कि भाई अपने ससुराल में अब देख लें, कोई अब सुना है कि आपके ससुराल में बड़ी लड़कियां हैं, कोई खूबसूरत कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैश दिलवा दें जायज में। है तो एक कम उम्र खूबसूरत लड़की मेरी नजर में। अरे हमने तो हमेशा मिलके साथ काम किया है और 50-50 में किया है, आपको पता है। याद है ना आपको बुढ़िया के घर डाका? अरे चुप 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 चुप, आप वो बात कहाँ लेके बैठ गए हैं? भूल जाइए इस बात को। मैं करती हूँ ना बात घर में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिश्ता कराने की। आप बेफिक्र रहें। और सुनिए, पिक्चर भेज दीजिएगा अपने भांजे की व्हाट्सएप पे, मैं देखती हूँ।